सुस्वागतम। धनु राशि में मंगल का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव लाएगा, इसकी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। धनु गुरु प्रधान राशि है और मंगल इनके आठवें घर के अंदर आ रहा है। एट्थ हाउस का मंगल क्या इनको देगा, क्या सावधानियां बरतनी है और उन परेशानियों से बचने के लिए क्या उपाय किए जाए, इसके बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। वीडियो को आखिर तक देखें और उपाय अवश्य करें ताकि आपका पूरा जो ये 45 दिन का टाइम है ये अच्छी तरह से बीत जाए। तो 20 जुलाई तक का ये समय है जो मंगल आपकी राशि में रहेगा। 20 जुलाई तक सावधानी बरतने की बेहद ज़रूरत है क्योंकि अष्टम घर में आया हुआ मंगल कभी भी शुभ नहीं होता है और ये मांगलिक योग भी बनाता है। अष्टम घर के मंगल से चोट दुर्घटना का भय हमेशा लगा रहता है। दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है, तो आपको यात्रा से जितना हो सके बचें। घर में भी आप रहें तो चोट दुर्घटना से बचें। जितना आप चोट और दुर्घटनाओं से बचेंगे उतना ही आपके लिए ये माह शुद्ध सही हो जाएगा। जल्दबाजी, जहां आपने जल्दबाजी करी वहीं दुर्घटना घटी, तो जल्दबाजी से आपको बच के चलना है। ऑपरेशन होने की संभावना भी ये माह दिखा रहा है। एट्थ हाउस का मंगल ऑपरेशन की संभावनाओं को बढ़ा देता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें। योग प्राणायाम का ध्यान का सहारा लेके आप अपने आप को फिट बनाए रखें। सावधानी इस माह आपको पूरा रखनी है। इस माह चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो चाहे यात्रा का मामला हो, शत्रु से भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छा है, छठे घर में है या थर्ड हाउस में है या 10th हाउस में है, तब तो आप शत्रुओं से बच जाएंगे क्योंकि फिर शत्रुअंता योग बन जाएगा। परंतु अगर आपके 3, 6, 10 के अंदर राहु नहीं है तो फिर आपको शत्रुओं से नुकसान हो सकता है। गोचर में स्थिति इसी टाइप की आ रही है कि 8th हाउस में मंगल होने पर शत्रु आपको चोट पहुंचा सकता है, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। बचने के उपाय आखिर में बता रही हूँ, वो अवश्य ही करें ताकि बच सकें, क्योंकि कोई भी छोटी सी घटना होती है वो गोचर में हो जाती है परंतु उसका प्रभाव आने वाले जीवन पे भी पड़ता है। तो ऐसा ही ये ग्रह का प्रभाव दिखा रहा है। मंगल की दृष्टि है, मंगल पर शनि की दृष्टि है, शनि पर मंगल की दृष्टि है। इससे बुरा ही बुरा नहीं होगा, कुछ अच्छा भी होगा। वो अच्छा ये होगा कि आपके लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी, आप गेन प्राप्त करेंगे, प्रॉफिट प्राप्त करेंगे और आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, ये अच्छी बात है। आकस्मिक धन प्राप्त होगा। संपत्ति का अगर बंटवारा चल रहा है तो वो बंटवारा हो जाएगा, आपके पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी, ये इसकी अच्छी चीज़ है। और जो आपके ऊपर 7.5 चल रही है वो उतरती हुई है, उसमें आपको राहत है। परंतु अभी गोचर में मंगल 45 दिन के लिए आ गया है, तो 20 जुलाई तक आपको बहुत ही सतर्क और सावधान रहना है। 20 जुलाई का समय शांतिपूर्वक निकाल लें, आने वाला जीवन आपका सुखी हो जाएगा। अब आपको क्या उपाय करने हैं चोट दुर्घटना और शत्रुओं से बचने के लिए। चोट दुर्घटना और शत्रुओं से बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय आप ये करिए कि इन 45 दिन तक 20 जुलाई तक हनुमान जी की आराधना नित्य कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत ही रामबाण होगा और आप हर दुर्घटना से बच जाएंगे। शिव जी को दूध का अभिषेक चढ़ाएं ताकि आपका जो भी जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, वो सुखी रह सके और आप गेन प्राप्त कर सकें, आपका गेन भी सुरक्षित रह सके और आपके संबंध भी नहीं बिगड़े। संबंधों को संभाल के चलने की ज़रूरत है इस माह, तो आप शिव जी का अभिषेक, शिव पूजा अपने घर में ही करें, शिव चालीसा का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये दो उपाय आपको पूरे 45 दिन करने हैं। और अगर आप बाहर जाते हैं तो गाय को अवश्य ही रोटी दें और देवी मंदिर में गुलाब के फूल चढ़ाएं, अपने घर में ही चढ़ाएं अगर संभव हो तो। इन उपायों को करने से ही ये आपका जो 45 दिन का समय है ये शांतिपूर्वक व्यतीत हो जाएगा। ईश्वर आराधना से ही सारे आपके दुख दूर हो जाएंगे। तो सतर्क रहें और सावधानी बरतें और आपका जीवन सुखी हो, समृद्धिशाली हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।